ਵੋ ਟੱਕ ਵਿੱਚ ਗੇੜੀ ਸੁੱਤੀ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਦੇਸੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ ਬੇਵਾਨਾ ਭਾਰਤੇ ਕੋ ਬੇਵਾ ਗਾਉਣਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਲਿਰਿਕਸ ਹੈ ਵੋ ਵੀ ਹੱਸਣੇ ਲਗੀ ਥੀ ਯੇ ਵੀ ਹੱਸਣੇ ਲਗਾ ਥਾ ਸੋ ਹੇ ਗਾਇਜ਼ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਅਨਦਰ ਵਲੌਗ ਆਈ ਹੋਪ ਯੂ ਗਾਇਜ਼ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਵੈਲ ਸੋ ਗਾਇਜ਼ माफ़ करना पता है मुझे कि बहुत ही दिनों के बाद ब्लॉग आया, बट क्या करें, मेरे एग्ज़ाम लगे हुए थे, इसकी वजह से मैं ब्लॉग नहीं कर पाया, बट झूठ बोल रहा है। सो गाइस, आज है 11 जुलाई 2021 और सुबह के बज रहे हैं 6:30, और मैं ब्लॉग बनाने के लिए सुबह सुबह ही लेंटर पे चढ़ गया हूँ। बहुत ही दिनों के बाद पता है मेरे को कि ब्लॉग आया, बट क्या करें भाई, मेरे को बहुत सारे काम थे। तो गाइस, जैसे कि अभी आपको दिख ही रहा होगा, मेरी आंखें जो है वो चढ़ी चढ़ी सी हैं, क्योंकि अभी सुबह उठ के भी मैं लेंटर पे सीधा आया हूँ और सीधा ब्लॉग बनाने लग पड़ा, तो भाई आंखें मेरी हर जगह चढ़ी चुड़ी दिखाई दे रहे हैं। चलो इसको तो साइड में रखते हैं और आपको मैं बाद में बताता हूँ कि मैंने ब्लॉग क्यों नहीं बनाया और मैं क्या कर रहा था पूरे इन दिनों में। वो बहुत ही बड़ा रीज़न है, बट इससे पहले आप ज़रा मौसम देख लीजिए, मौसम का हाल देख लीजिए, बहुत ही अच्छा मौसम हुआ है। तो गाइस देखो मौसम कितना सुहाना हुआ है सुबह सुबह ही। ऐसा मौसम आपको कहाँ भी देखने को मिलेगा, ये सिर्फ यहाँ पर मिलता है, आओ तो कभी हमारे यहाँ पे। आ रहा हूँ बहनचोद, गाना गुच्छा इंसान के। गाइस अब आपको मौसम तो दिखा दिया, आपको बताता हूँ मैं कि मैं इतने दिन कहाँ पे था। मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्यों नहीं आया ब्लॉगिंग करने इतने 2-3 दिनों से, क्योंकि इसके दो कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि जैसे कि कॉलेज स्टूडेंट्स जो थे, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे कि हमें पास करो तो पास कर दो, तो मैंने सोचा कि मेरे को बहुत सारे डीएम आए कि सर हमें पास कर दिया जाए कॉलेज स्टूडेंट्स को, फर्स्ट और सेकंड ईयर वालों को। मैंने बोला चलो ठीक है, आपकी बात सुन लेते हैं। फिर मैंने भी गाड़ी पकड़ी अपनी और सीधा ही चला गया मैं ये जयराम जी के पास, अपने जो मुख्यमंत्री हैं उनके पास गया, उनके साथ बातचीत की। मैं बोला सर फर्स्ट और सेकेंड ईयर वालों को प्रमोट कर दूँ, किया जा रहा है आपका, आगे क्या बनता है। मैं बोला चलो सर पर पास कर देना सर, बाकी कोई नहीं पर पास कर देना। तो बस यही एक पहली वजह थी जिसके कारण मेरे को 2-3 दिन लग गए, आप ही के लिए गया था मैं। और दूसरा जो सबसे बड़ा मेन कारण है, तो गाइस जैसे कि आपको पता था कि 8 तारीख को था BGMI लॉन्च पार्टी, तो गाइस मेरे को BGMI लॉन्च पार्टी में बुलाया गया था एज ए गेस्ट। तो मैं 8 तारीख मतलब 6-7 तारीख को चला गया था वहाँ पे, तो वहाँ पे मेरे इंटरव्यू हुए और पूछा मेरे से, बहुत सारी राय ली। तो मैं वहाँ पे BGMI लॉन्च पार्टी में गया हुआ था और वहाँ के सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है, तो मैंने उन्हें बताया कि क्या क्या करना है क्या क्या नहीं, तो इसी वजह से मैं लेट हो गया। तो और वो जो आपने देखा ही होगा PUBG का जो BGMI लॉन्च पार्टी चली, उसमें सारी टीमें आई थी, तो उसको ऑर्गेनाइज फिर मैंने करवाया था किस हिसाब से करवानी है। पैसा बर्बाद बहनचोद। तो जो आपने पेन फाइट वाला मैच देखा, वो भी मैंने ही बताया था, इनको आइडिया दिया था। और टीम स्नैक्स जो है, ये मेरे से एक दो दिन ही पहले पूछने आई थी क्या करें भाई, हमें स्ट्रेटजी बताओ। तो मैंने वहाँ पे स्ट्रेटजी बताई और देख लीजिए, चारों के चार चिकन डिनर हुए हैं टीम स्नैक्स के। तो गाइस बस यही एक रीज़न था, तो इसलिए मैं ब्लॉग नहीं बना पाया। तो गाइस बट ये कि आप आगे आपको जो है ब्लॉग आते रहेंगे और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं ब्लॉग बनाता रहूँगा। बस आप ये कि लाइक सब्सक्राइब और लाइक कर देना है, क्या लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना, और अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट भी नीचे कर देना। और अगर किसी आप में से किसने मेरी अगर वीडियो नहीं देखी है, तो उन वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डिस्क्रिप्शन खोलिए और नीचे जाके मेरी जो वीडियो है प्रीवियस वीडियो उन्हें देख के आइए, और बताइए मेरे को कमेंट में कि आपको कैसी लगी वीडियो, और आप बताइए कि आपको क्या क्या कंटेंट चाहिए, मैं आपको वही कंटेंट प्रोवाइड करूँगा, और देखते हैं बाकी आगे क्या बनता है। सो गाइस बस आज के लिए बस इतना ही। सो गाइस वी आर एक्सप्लोरर बॉयज एंड वी साइनिंग ऑफ। यही नहीं अभी और सुनिए। तो गाइस रुको जरा 2 मिनट। वही
मैं वही लड़का हूँ जो अभी पिछले वाली वीडियो बना रहा था, बस अभी कटिंग करवा के आया हूँ। आज डैडी जी ने कटिंग की है थोड़ी, बहुत बढ़िया बढ़िया तो नहीं, मतलब ठीक ठाक ही की है। आप सोच रहे होंगे कि मैंने कटिंग क्यों नहीं करवाई नाई के पास जाके, क्योंकि जब से लॉकडाउन लगा तब से मैं गया ही नहीं, मेरे को 1.5 साल हो गया नाई के पास गए हुए। पापा से करवा लेता हूँ, वो काट देते हैं और मैं पापा का काट लेता हूँ। अब जो है ना मज़ा चुक गया। बस मैं आपको ये बताने के लिए आया था कि हमारी जो नई वीडियो है वो बहुत ही जल्द आने वाली है, तो गाइस सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, तभी आपको जो है इसकी नोटिफिकेशन आएगी। ऐसे नहीं आएगी नोटिफिकेशन, बेल बटन दबाना पड़ेगा, उसके लिए सब्सक्राइब करो, उसका बेल बटन दबाओ। सो गाइस पीस आउट, बाय। ਕਮੋ ਟੱਕ ਵਿੱਚ ਗੇੜੀ ਸੁੱਤੀ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਦੇਸੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ ਬੇਵਾਨਾ ਪਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵਗਾਉਣਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਲਿਰਿਕਸ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਹੱਸਣੇ ਲੱਗੀ ਥੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।